हरे कृष्ण। आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम कुछ भगवान श्री कृष्ण की सुंदर और मधुर कथाओं का श्रवण करेंगे। बचपन से आपने श्री कृष्ण की अनेकानेक सुंदर मधुर लीलाओं का श्रवण किया होगा, टीवी सीरियल्स और मूवीज के माध्यम से देखा होगा और कॉमिक्स के माध्यम से शायद पढ़ा भी होगा। भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं को सुनने के साथ साथ उनकी महानता, उनकी दिव्यता को भी समझना जरूरी है, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की इन सुंदर लीलाओं को हम साधारण समझने की गलती कर बैठेंगे। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं भगवद गीता के चौथे अध्याय में कहते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम इति सो अर्जुन। ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म के दिव्य स्वभाव को समझ जाता है, वे इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः इस जन्म मृत्यु के संसार में नहीं लौटता, अपितु मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही एक सुंदर लीला का श्रवण करें, जिसमें भगवान की मधुरता और भगवान का ऐश्वर्य एक साथ दिखाई पड़ता हो। तो ये सुंदर कथा श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद 8वें अध्याय में आती है। तो एक बारी भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और तभी ये सारे मित्र यशोदा मैया के पास आए और कहने लगे कि मैया मैया, आपको पता है आपके लाल श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। और इन मित्रों के साथ साथ भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी शिकायत कर रहे थे। यशोदा मैया बहुत चिंतित हुई और तुरंत उस स्थान पर गई जहां पर कृष्ण क्रीड़ा कर रहे थे। श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेते हुए चिंता से डांटने लगी कि कृष्ण, ये मैं क्या सुन रही हूं, तुम्हारे मित्र शिकायत करते हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे कि मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, वे सब झूठ बोलते हैं। बोले, झूठ बोलते हैं? तुम्हारा बड़ा भाई बलराम भी पुष्टि करके गया है कि तुमने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण बोले कि मैया, मैं नहीं जानता कि वे सब झूठ क्यों बोल रहे हैं, किंतु मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। तब यशोदा मैया ने कहा कि तुम यदि मिट्टी नहीं खाए तो अपना मुंह खोलो। भगवान कृष्ण बोले, हाँ ये बात भी ठीक है मैया, यदि मैं मिट्टी नहीं खाया तो आप मेरा मुंह देख लीजिए, आपको उसमें मिट्टी का कोई भी कण नहीं मिलेगा। और इस प्रकार परम धाम भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के लिए अपना मुख खोल दिया। यशोदा मैया ने क्या देखा कि श्री कृष्ण के मुख में इस ब्रह्मांड के अनेकानेक वस्तुओं को देखा। उन्होंने बड़े बड़े पर्वतों को देखा, उन्होंने महासागर को देखा, द्वीप, जंगल, वृक्ष, चर अचर सभी जीवों को देखा। देखा कि किस प्रकार जीव इस ब्रह्मांड में, इस संसार में तीन गुणों में फंसकर कर्म और कर्म के फलों में बंध जाते हैं। यहाँ तक कि यशोदा मैया ने वृंदावन धाम भी देखा और वृंदावन धाम में अपने आप को भी देखा। ये सब देखकर यशोदा मैया बहुत घबरा गई, बहुत चिंतित होने लगी और सोचने लगी कि हाय हाय, ये मैंने क्या देख लिया, क्या ये भगवान की माया है, क्या ये मेरा भ्रम है, क्या मेरी बुद्धि के ही द्वारा ये मोहजनित है, या ये इस बालक की माया है, ऐसा तो संभव नहीं है। इस प्रकार से अपने आप को ऐसी स्थिति में पाकर यशोदा मैया ने
भगवान श्री हरि का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए वे इस प्रकार से विचार करने लगी कि वास्तव में ये माया ही तो है कि मैं अपने आप को नंद की रानी, वृंदावन की महारानी और इस कृष्ण की माता मानती हूँ। वास्तव में तो हमारे सब कुछ भगवान हरि ही हैं, हम उनके ही अंश हैं और हमारी केवल एक ही पहचान है कि हम भगवान श्री हरि के दास हैं। इस प्रकार से अपने आप को समझाने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रायः अपने शुद्ध भक्तों के आगे अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करते क्योंकि वे उनके दिव्य प्रेम, उनके मधुर प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी योग माया शक्ति के द्वारा यशोदा मैया के इस भाव को ढक दिया और पुनः उनके अंदर वात्सल्य प्रेम की प्रेरणा जागृत हुई। तब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाए, उनको प्रेम किया और इस प्रकार से ये मृद भक्षण लीला या ब्रह्मांड दर्शन लीला संपूर्ण हुई। तो हम आगे भी ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं, सुंदर सुंदर लीलाएं आप सबके लिए लाते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव महामहोत्सव की जय।